हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये केंद्रीय विद्यालय FRI है जहाँ पे इस टाइम CBSE के केमिस्ट्री का एग्ज़ाम चल रहा है, क्लास 12th का, और मैं वेट कर रहा हूँ सिर्फ उन बच्चों के निकलने का, ताकि मैं देखना चाहता हूँ आज बच्चों ने पेपर कैसा किया, क्या मेरा साल भर का पढ़ाया हुआ मेहनत सफल हुआ कि नहीं, जो मैंने क्वेश्चन गेस किए थे वो 100% आए कि नहीं, बस इसी का वेट कर रहा हूँ और बच्चों का वेट कर रहा हूँ कि बच्चे यहाँ तक आए और अपना रिव्यू दें कि एग्जैक्टली मैंने जो उन्हें पढ़ाया उनको कैसा लगा, साल भर जो मैंने आउटपुट दिया उसका आउटपुट वो निकाल के आ पाए कि नहीं। तो वेट कर रहा हूँ बच्चों का, बच्चे जल्दी पहुँच रहे हैं हमारे पास, 5-7 मिनट का वक्त और बचा हुआ है जैसा आप देख रहे हैं, एकदम 5-7 मिनट में पिटारा खुलने वाला है, केमिस्ट्री का पेपर किस सेक्शन से ज़्यादा रहा, ऑब्जेक्टिव नया पैटर्न है, सेक्शन रीजन है, ये सारे कन्फ्यूजन जो थे वो 5 मिनट में दूर होने वाले हैं। मैं आपको पूरी तरह से बताऊँगा कि किस सेक्शन से क्वेश्चन कितना ज़्यादा रहा, आप मेरे साथ बने रहिए। सर, आपके बच्चे का प्रिपरेशन कैसा रहा? प्रिपरेशन तो काफ़ी अच्छा था, मगर जो पिछला फिजिक्स का पेपर था इज नॉट सो गुड क्लियरली, बट रसायन का देखें आपका रसायनम कैसा चल रहा है, उसके बाद तब यानी हमें पता चलेगा। जब वैसे केमिस्ट्री बच्चे ने पूरी केमिस्ट्री बच्चे ने फुल प्रिपेयर था, वैसे बोला हम केमिस्ट्री में प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, बच्चा पहले कॉन्फिडेंस है? कॉन्फिडेंस में था, उसने कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो 2-4 डाउट थे तो फिर हमने यूट्यूब से देख करके उसका यानी क्लियरेंस किया, वैसे आपने भी काफ़ी असिस्ट किया था, हमें बताया था। और कैसा लग रहा, मतलब आपके बच्चे को कितना फील कर रहा है कि कितना परसेंटेज लगभग प्रोसेस का बनना? देखो चाहिए? मेरा 90 एंड अवब का टारगेट है, क्योंकि मैं NDA में ऑलरेडी फर्स्ट लैप क्वालिफाई करा चुका हूँ उसको, NDA ऑलरेडी मेरा क्वालिफाई है, JEE क्वालिफाई है, 12th का रिजल्ट का मेरा है, क्योंकि मेरी 2 बेटियाँ हैं ऑलरेडी, वो भी KV टॉपर है, एक इसरो में साइंटिस्ट है जो गगनयान का जो चीफ डायरेक्टर है उसके लिए है वो, और दूसरी वाली नोएडा में SCL कंपनी में प्रोजेक्ट इंजीनियर है, दोनों KVIMA की पढ़ी हुई हैं। अब ये है, इसको NDA का प्रिपरेशन में लगा रखा है, इसीलिए मैं सर से यानी इंसिस्ट कर रहा था। बहुत अच्छी बात है कि सर के बेटी भी मेरे से ही पढ़ी हुई है। हाँ, दोनों आप ही के यानी उससे निकली हुई है, कोई वो नहीं है। अब ये सर का थर्ड चाइल्ड भी जो है वो आगे अच्छा करे, बट लेट अस सी, यानी जो हमारा मोटो है जिस हिसाब से कि यानी आप लोगों का आशीर्वाद साथ में है, बाकी अब देखते हैं, लेट अस सी। अब सर कैसा है प्रिपरेशन बेटी का? बहुत अच्छा है, क्योंकि मेरा बेटा भी पढ़ा है आपके साथ, बेटी भी है। फिजिक्स तो अच्छा नहीं गया, मगर केमिस्ट्री के देखते हैं बच्चे निकल रहे हैं कैसा पेपर गया। सर होप सो बच्चा अच्छा करेगा, बच्चे ने मेहनत किया है साल भर, बच्चों ने मेहनत किया है, अच्छा था, मार्क्स भी अच्छा आता है, पढ़ाई तो बच्चे रुचि है। चलिए थैंक यू सर, बच्चा टारगेट पूरा करे अपना। कैसा लगा पेपर? अच्छा था। इजी लगा या टफ लगा? ऑर्गेनिक टफ लगी, और तो सही अच्छा जो पढ़ाया हुआ था उसमें सारा आया। NCERT बेस्ड क्वेश्चन था या आउट ऑफ सिलेबस था? NCERT में था, थोड़े बाहर के थे। थोड़े बाहर से जो आपको बुकलेट दिया गया था बुकलेट कवर हुआ सारा? Yes, चलो थैंक यू। कैसा हुआ आज का पेपर? ठीक। किस सेक्शन से बेहतर क्वेश्चन आया था? ऑर्गेनिक। इजी आया टफ आया? इजी था, बहुत आसानी से कर लिया। बुकलेट जो दिया था उसमें सारे क्वेश्चन थे? यस सर। सारा पढ़ाया हुआ था? कौन सा? सारे वही थे। सारे वही कॉन्सेप्ट थे, वेरी गुड, ठीक है, थैंक यू। सर आप पेपर आज का किस सेक्शन में ज़्यादा इजी लगा, कौन सा टफ लगा? इजी थे तो ऑब्जेक्टिव टफ लगा या सब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव। क्वेश्चन कर लिए सारे? न्यूमेरिकल ज़्यादा थे या थ्योरेटिकल? ऑर्गेनिक में क्वेश्चन शॉर्ट रहे या लॉन्ग रहे? NCERT बेस्ट रहे या बाहर? बुकलेट से सारे क्वेश्चन थे जो बुकलेट मैंने दिए थे, वेरी गुड। कैसा रहा आज का पेपर? कौन सा सेक्शन ज़्यादा अच्छा लगा? फिजिकल। ऑर्गेनिक के क्वेश्चन लॉन्ग थे या मतलब शॉर्ट थे? क्वेश्चन सारे कर लिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ, पूरा प्रॉपर? ऑब्जेक्टिव ज़्यादा इजी लगा या सब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव। मतलब जो रिवीजन में कराया था क्वेश्चन सारे आए थे? सारे थे, बढ़िया। पक्का? अच्छा, मतलब पूरा प्रॉपर करके आया ना? बी कॉन्फिडेंस, ठीक रहा। ऑब्जेक्टिव ज़्यादा अच्छा है सब्जेक्टिव? दोनों कर लिए, सारा पढ़ाया हुआ था, NCERT बेस्ड था, जो मैंने गेस किए थे क्वेश्चन सब आए? पक्का सारे, मतलब फोड़ के आए हो? गुड। कैसा किया पेपर? सही था, सब कुछ पढ़ाया हुआ था टोटल?
इंडिया डिबेट था जो लास्ट टाइम क्वेश्चन बोला था वो सब आए थे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ठीक हुए थे सब आए थे बुकलेट से क्वेश्चन थे सारे ऑर्गेनिक के वहीं से थे पूरा वेरी गुड मतलब पूरा अच्छा करके आया ना चलो गुड कैसे रहा आज का पेपर बढ़िया बिल्कुल सारा कुछ पढ़ाया हुआ था जो क्वेश्चन मैंने गेस किया था सब आ गए थे सुपर इजी लगा जाता है आप बहुत इजी इजी जितना प्रैक्टिस करवाया था सारा आ गया सारा ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सब बहुत अच्छा कैसा रहा आज का पेपर पेपर बढ़िया था पेपर बढ़िया था बेस एनसीईआरटी का था फिजिक्स से टफ लगा था इजी फिजिक्स से तो इजी था फिजिक्स से तो टीचर ने कुछ पढ़ाई नहीं था अच्छा केमिस्ट्री के लिए आगे आने वाले बच्चों को क्या सजेशन दोगे नेक्स्ट ईयर के लिए पूरा एनसीईआरटी एनसीईआरटी का बच्चा पूरा एनसीईआरटी ऑब्जेक्टिव के लिए भी और सब्जेक्टिव के लिए आप लोग सब बच्चे जो अगले साल के लिए देख रहे होंगे जिनको अगले साल लिखना है इसका ध्यान रखिएगा अच्छे से ठीक है चलो गुड लक कैसा कौन सा सेक्शन इजी लगा सर थ्योरी वाला इजी था थ्योरी वाले जितना पढ़ाए थे सब है सारे क्वेश्चन बुकलेट से थे मतलब फोड़ के आया ना सर फोड़ के कोई क्वेश्चन छोड़ा तो नहीं पूरा 100% ऑब्जेक्टिव टफ लगा या सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मतलब पूरा कंप्लीट करके आया कोई करेक्शन ना कुछ सजेशन लोगों को बस सर की बुकलेट करते जाओ हो जाएगा सब कुछ थैंक यू कैसा हुआ पेपर आज का हाँ बहुत अच्छा हुआ जो आपने बोला था वो आ गया सब आ गया गुड गुड मतलब पूरा सेक्शन करके आए हाँ बिल्कुल डी जी सब फिजिकल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक तीनों करके आए हाँ ऑब्जेक्टिव भी लगाया या सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मतलब फिजिक्स के कंपैरिजन में आसान था टफ फिजिक्स तो बहुत ज्यादा टफ था इस बार आसान था जितना पढ़ाया था बुकलेट में सब आया मतलब जो क्वेश्चन गेस किए थे सारे पहुंच गए हां पहुंच गए थे देखो सुन लो आप लोग जो मैंने पढ़ाया वो सारे क्वेश्चन आया है ठीक है ना पी डी एफ सुन लिया ना बच्चों का रिव्यू आपने एकदम ध्यान दीजिएगा इसलिए आप लोग को भी जो है मेरे साथ लगे रहना है नेक्स्ट ईयर तक बिल्कुल क्या सजेशन दोगे अगले साल के बच्चों को दैट जॉइन चंद्रा सर एंड स्टडी हार्ड थैंक यू सर बेटा आज का पेपर पेपर तो अच्छा था मतलब फिजिक्स से कंपैरेटिवली बहुत इजी क्वेश्चंस थे देख के लग रहा था हो जाएगा आराम से ऑब्जेक्टिव टफ लगा या सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव ऑर्गेनिक थोड़ी मुश्किल थी अच्छा ऑर्गेनिक थोड़ा मुश्किल लगा मुश्किल फिजिकल आसान लगा फिजिकल आसान इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक ठीक थी और जो पैसेज टाइप के क्वेश्चन आप लोगों ने फर्स्ट टाइम देखा वो कैसा लगा वो सबसे इजी क्वेश्चन था वो मतलब पैसेज से आपको बहुत सारा आइडिया लग गया था कि आप क्वेश्चन में कैसे आंसर लिख सकते हो अच्छा फर्स्ट टाइम आप लोगों ने एसर्शन रीजन का क्वेश्चन फेस किया केमिस्ट्री में आप बच्चों को क्या एडवाइस करेंगे उसके लिए एसर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी होते हैं क्या वो एनसीईआरटी बेस्ड थे वो एनसीईआरटी बेस्ड थे अच्छा मतलब बच्चों को आप क्या सजेस्ट करेंगे एनसीईआरटी पढ़ें या अदर बुक कोई रेफरेंस में भी लें नहीं एनसीईआरटी के साथ रेफरेंस बुक भी बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छा मतलब एनसीईआरटी को पढ़ना बहुत जरूरी है बहुत जरूरी है तो एनसीईआरटी से मैक्सिमम क्वेश्चन दिखाई दिए आप लोगों yes. बोर्ड ने जो सैंपल पेपर जारी किया था क्या वैसा ही पैटर्न रहा सेम एग्जैक्ट वैसे ही पैटर्न ओके थैंक यू आपने अच्छा किया चलिए गुड लक फॉर रिजल्ट कैसा लगा बेटा आज का पेपर सर बहुत इजी था इजी था हाँ। मतलब फिजिक्स के बाद आज थोड़ा रिलैक्स फील कर रहे होंगे आप लोग बहुत रिलैक्स फील कर रहे हैं अच्छा कितना उम्मीद है परसेंटेज लाने का 90 अबव तो आ जाएगा तो जो अभी आप लोगों ने पिछले साल का प्रीवियस ईयर का पेपर किया था हाँ। और इस साल में क्या इजी लगा या उसके कंपैरेटिव टफ लगा इजी लगा हाँ। तो क्या एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा थे या मतलब बाहर भी थे क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी एनसीईआरटी के मिडिल से क्वेश्चन ज्यादा थे अच्छा एनसीईआरटी के मिडिल से एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन थे एक्सरसाइज के क्वेश्चन तो कम थे जो टीचर ने पढ़ाए थे नोट्स दिए थे हाँ उसमें से सारे आए थे अच्छा ऑर्गेनिक फिजिकल इनऑर्गेनिक में सबसे बेस्ट सेक्शन क्या लगा ऑर्गेनिक इजी लगा हाँ ऑर्गेनिक आपने आसानी से कर लिया हाँ फिजिकल कैसा लगा फिजिकल भी इजी आया था इनऑर्गेनिक भी एनसीईआरटी बेस्ड था क्या एनसीईआरटी से मैंने इनऑर्गेनिक नहीं की अच्छा तो फर्स्ट टाइम आप लोग ऑब्जेक्टिव पैटर्न फेस कर रहे थे कैसा लगा आप लोग को ये पैटर्न बहुत अच्छा लगा सर अच्छा लगा इजी था मतलब स्कोर करेंगे अच्छा चलिए गुड लक सर आज का पेपर सर आज का पेपर बहुत ही आसान और एकदम डायरेक्ट क्वेश्चंस थे बहुत आसान थे मतलब एनसीईआरटी करना काफ़ी था ये सर एनसीईआरटी करना भी काफ़ी था और आप जिसे भी कोचिंग में नोट्स भी लेते हैं जैसे मैंने एसएनके में नोट्स किया था आप ही से पढ़ाया था मैंने तो वैसे तो सारे मैंने नोट्स ही तैयारी किए थे और मेरा बहुत बढ़िया होता था तो जो बुकलेट मैंने दिया था उस बुकलेट से ही सारे क्वेश्चन सर पूरे बुकलेट के अंदर से और जो आपने रिटन नोट्स दिए थे सारे क्वेश्चन डिटो वहीं से उठ गए बिल्कुल डिटो थे बिल्कुल आपने एकदम चेक किया पूरा एकदम मतलब उम्मीद करें फोड़ के आओगे चलिए गुड लक आज का पेपर कैसा हुआ अच्छा हुआ तो कंपैरेटिवली आसान लगा या टफ आसान था काफी आसान था बोर्ड ने जो सैंपल पेपर जारी किया था क्या वैसा ही था क्या उससे भी आसान था अच्छा तो आपने प्रैक्टिस किया था पूरा थोड़े क्वेश्चन देखे थे ऊपर तो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन रहा या मतलब फिर एनसीईआरटी मतलब आप सजेस्ट क्या करेंगे अपने जूनियर को एनसीईआरटी पढ़ना हां इंटेक्स क्वेश्चन और एक्सरसाइज तो करनी है अच्छा एक्सरसाइज करनी करनी है क्या थ्योरी भी एनसीईआरटी पढ़नी जरूरत है क्या हां जरूरत है खास करके ऑब्जेक्टिव वगैरह के लिए क्या ऑब्जेक्टिव और जो असर्शन रीजनिंग है वो तो डायरेक्ट स्टेटमेंट्स आएंगे उसमें से अच्छा तो वो क्या बिल्कुल एनसीईआरटी के लाइन थे वो हाँ मतलब सिमिलर थे अच्छा सिमिलर कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी का मतलब एनसीईआरटी आपके हिसाब से बिल्कुल ठोस करना है बच्चों को अच्छा और क्या सजेस्ट करना चाहोगे बच्चों को
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करें. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. अच्छा, मतलब क्या उम्मीद करें, 95 प्लस जाएगा? जा सकते हैं. गुड लक. जैसा आप देख रहे थे बच्चे सेंटर से निकलते ही क्या एनर्जेटिक थे, आज मज़ा आ रहा था बच्चों के शक्ल को देख के. उम्मीद कर रहे हैं कि बच्चों ने बहुत अच्छा पेपर किया है. और आप लोग आने वाले जो बच्चे हैं जो नेक्स्ट ईयर पेपर देंगे, बच्चों ने सजेस्ट भी किया हुआ जैसे आप देख रहे होंगे कि एनसीईआरटी को जरूर पढ़ें और मेरे क्लासरूम नोट्स को जरूर पढ़ें, क्योंकि 100% क्वेश्चन जो है वो मेरे मटेरियल से था. जैसे आप बच्चों का रिव्यू भी देख रहे थे हमारे पुराने पढ़े हुए बच्चों का, आप उसको फॉलो करें और आप भी हमारे साथ जुड़े रहें नेक्स्ट ईयर तक. गुड लक.